तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कोड आता है सोर्स प्रोग्राम का, तो कंपाइलर उसको क्या लेक्सिकल एनालिसिस उसको क्या करता है कि उस कोड उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है टोकन्स के अंदर। टोकन्स के अंदर कैसे करता है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, वहां पर आपको इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेक्सिकल एनालाइजर रीड्स द स्ट्रीम ऑफ द कैरेक्टर्स, मेक अप द सोर्स प्रोग्राम एंड ग्रुप द कैरेक्टर्स इनटू मीनिंगफुल सिक्वेंशियल कॉल्ड लग्जीम्स। ठीक है, लग्जीम रहने का एनालाइजर उसको रीड करता है स्ट्रीम ऑफ कोड को सोर्स प्रोग्राम की, फिर क्या करता है उसको करेक्टर्स को मीनिंगफुल सीक्वेंस के साथ लग्जीम कर देता है। ठीक है जी, वो कैसे करता है, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फॉर ईच लग्जीम द लग्जिकल एनालाइजर प्रोड्यूस अ टोकन, हर लग्जीम के साथ, ठीक है, हर कोड के साथ, ठीक है, हर जो हमारे पास करेक्टर है उसके साथ एक कोड टोकन जनरेट करता है कि इसका क्या मतलब है, ऑफ द फॉर्म दैट इट फेजेस ऑन द सब्सिक्वेंट फेज सिंटैक्स एनालिसिस, टोकन नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है जी, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यू है उसका एक टोकन नेम जनरेट होता है। टोकन नेम एन एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स इज यूज्ड टू ड्यूरिंग द सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है जी, एट्रीब्यूट नेम क्या होगा, पॉइंट टू एन एंट्री इन द सिंबल्स टेबल ऑफ दिस टोकन। ठीक है, उस टेबल जो हमारे पास टेबल्स में जो भी करेक्टर्स आता है सोर्स प्रोग्राम का, उसका क्या मतलब है, वो क्या वैल्यू है उसकी। तो ये एग्जांपल है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ सोर्स प्रोग्राम से कि न्यू वैल्यू, मतलब ये एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या रखी हुई है वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस 12। ओल्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस 12। अब हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू है, अब न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू प्लस 12। ओल्ड वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हो सकती है, उसके साथ प्लस हमने ऐड 10 12 करके नई वैल्यू क्या बन जाएगी, जो भी ओल्ड वैल्यू होगी प्लस करने के साथ। तो अब ये एक स्टेटमेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे इसके कोड जनरेट होंगे। तो ये इसके टोकन्स है, नीचे देखें न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो एक वेरिएबल है इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को, ये आइडेंटिफायर हो गया। और ये प्लस क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है जी, उसके बाद ओल्ड वैल्यू, ये भी एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये किसी ना किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड दी थर्ड वन हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, एडिशन का ऑपरेटर है। एंड द फोर्थ वन 12 इंटीजर वैल्यू है, कोई भी नंबर है हमारे पास। अब ये हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को टोकनाइज कर दिया ऐसे। लेक्सिकल एनालाइजर ट्रंकेट्स वाइट स्पेस एंड आल्सो रिमूव एरर्स। ठीक है जी, क्या करता है लेक्सिकल एनालाइजर के, ट्रंकेट द वाइट वाइट स्पेस, जो भी वाइट स्पेस होती है उनको खत्म कर देता है। एंड आल्सो रिमूव्स द एरर, जो भी एरर्स होती है उनको भी रिमूव कर देता है। तो इस तरह उनके टोकन्स जनरेट कर देता है। आई होप कि आपको लेक्सिकल एनालाइजर की समझ आ गई होगी, टोकन्स कैसे जनरेट करता है सोर्स प्रोग्राम के, वो भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर कंपाइलर। तो उसकी एक ये आपके पास भी एग्जाम्पल है, अगर आप कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम आता है तो किस तरह उसके कोड लाइन बाई लाइन जनरेट होते हैं। तो ये प्रोग्राम एक्स आउटपुट कमेंट्स, हर एक स्टेटमेंट का, हर एक करेक्टर का उसने क्या कर दिया, उसको लाइन में कोड जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, अगर वाइट स्पेस है तो यहाँ पर उसको शो कर रहा है कि ये क्या आपके पास वाइट स्पेस यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, एंड सेकंड वन आइडेंटिफायर यूज हो रहा है, ये आइडेंटिफायर, उसके बाद फिर क्या आ रही है, वाइट स्पेस आ रही है, तो यहाँ पर वाइट स्पेस शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास हर प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेजेस में क्या होते हैं, टोकन जनरेट होते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जो आपने टोकन जनरेट किए हैं, टोकन जनरेट करने के बाद इनकी पार्सिंग ट्री होती है। इट्स मींस डैट कि उनका पार्स ट्री बनता है। पार्स ट्री जो है वो आप लोगों ने पहले भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने पार्सिंग पढ़ी होगी कि पार्सिंग क्या होती है, ट्री कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी थ्योरी के पढ़ें, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे जनरेट होती है। जैसे कि प्रीवियस को अगर हम लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, उसके लेफ्ट साइड पे आइडेंटिफायर न्यू वन, ठीक है, न्यू वैल्यू आइडेंटिफायर।
एंड दी राइट साइड एक्सप्रेशन के अंदर क्या था, एक्सप्रेशन के अंदर टू वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है, ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, ठीक है जी। ओल्ड वैल्यू यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ जाएगी, एक्सप्रेशन क्या है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के अंदर ओल्ड वैल्यू प्लस किसके साथ हो रही थी, 12 के साथ, एक्सप्रेशन क्या है वो नंबर है और नंबर ये 12। तो इस तरह का जो है ये हमने खुद नहीं जनरेट करना होता, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सिस्टम ने जनरेट करना होता है, लेकिन आपको पता होना लाजमी है कि कैसे जो है वो कंपाइलेशन का कंपाइलर जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है और कौन सा पार्ट जो है उसका क्या काम होता है कंपाइलेशन के दौरान। और इसलिए आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आपको एक सोर्स प्रोग्राम है ये आपने खुद जनरेट करना होता है, ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन द सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या करता है जी, सिमेंटिक एनालिसिस मीन्स डैट के रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि जितना भी आपका सोर्स प्रोग्राम है, जितने भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स, वर्ड्स, कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो भी उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस यूज हो रहे होते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस ने उसको चेक करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू रूल ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, उसको चेक करना होता है और उसके बाद जो है वो उसको आगे पास करता है, अदरवाइज यहाँ पर ही वो इसकी करेक्शन करता है। तो एग्जांपल्स के साथ आप इसको देख सकते हैं कि सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सिमेंटिकली करेक्ट बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, सिंटैक्टिकली करेक्ट है लेकिन बट सिमेंटिकली क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। के सम इज इक्वल टू ए प्लस बी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि ए क्या है वो इंटीजर वैल्यू का है, प्लस बी क्या है करेक्टर का, ठीक है, करेक्टर वैल्यू कौन सी होती है, ए बी सी अल्फाबेट होती है, और इंटीजर वैल्यू क्या होती है 1 2 3, तो क्या हम करेक्टर को और इंटीजर को आपस में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है लेकिन सिमेंटिक उसके मीनिंग के लिहाज से देखा जाए तो क्या है, रॉन्ग है। तो यही पार्ट जो है कंपाइलर का सिमेंटिक यही चेक करता है कि सिमेंटिकली उस वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप जो है वो मिसमैच है, ए की इंटीजर है और बी की जो है वो करेक्टर है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो ये इसका सिमेंटिक रिकॉर्ड है हमारे पास, ए इंटीजर है, सम जो है वो डबल है और बी जो है वो करेक्टर है। तो यहाँ पर जो है वो सिस्टम एरर शो करता है जब तक वो है, फिर वो एरर को क्लियर करते हैं और उसके बाद जो है वो उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सिक्यूट होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है कि जो आपको भी समझ आती है और सिस्टम को भी समझ आती है, मतलब बिटवीन दी मशीन कोड एंड दी हाई लेवल कोड, ठीक है, ये दोनों के दरमियान में होता है। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी, क्लास के अंदर मैं एक वर्क आपको देता हूँ, मॉड्यूल को डिफाइन करता हूँ सारी क्लास को और एक मैं जो है रिप्रेजेंटेटर बना देता हूँ कि आपने इनका काम चेक करना और मुझे बताना है। अब वो क्या है कि आपकी बात को भी समझ रहा है और मेरी बात को भी समझ रहा है, मतलब वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटर है, जो मैं हूँ वो टारगेट कोड है और आप जो है वो हाई लेवल में है, ठीक है, और आपने जो है वो चीज़ बनानी है जो मुझे अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है जी। जो सेंटर में पर्सन है वो आपकी बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है और मेरी बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, इट्स मीन डैट के वो क्या है, इंटरमीडिएटरी बंदा काम कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कोड जो है इंटरमीडिएटरी कोड जनरेट करता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होगा, आप शायद आपके माइंड में आए कि सर ये हम इसका इंटरमीडिएटरी कोड क्यों जनरेट करते हैं, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है। अब इंटरमीडिएटरी कोड जनरेट करने का फ़ायदा बेटा ये होता है कि इसको हम उसके बाद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने कोड को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसके साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा वो मेमोरी भी जो है उसको भी कम हो सकती है और साथ जो सिस्टम एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए हम कंपाइलर जो है कोड जनरेट करता है और इसका यही फ़ायदा होता है, और इंटरमीडिएटरी जो है जो हमारे पास हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर, वो जो है वो नहीं जनरेट करता ये वाला कोड इंटरमीडिएटरी। तो क्या होता है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ये भी एक आइडेंटिफायर है, ये भी एक आइडेंटिफायर है, प्लस ऑपरेटर है और ये भी एक आइडेंटिफायर है मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसको करेंगे इंटरमीडिएटरी कोड जनरेटर, टेम्प हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया उसके अंदर क्या किया, इनटू रियल वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू जो है एक रियल वैल्यू हमारे पास उसके अंदर वाली रख दी है।
अब ये वाली जो है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय किसके हो रही है, फैक्ट के। फैक्ट कितना हमारे पास आइडेंटिफायर है, 3। ठीक है, इट्स मींस डैड के आइडेंटिफायर 3 मल्टीप्लाई होगा रियल वैल्यू 1 से। तो टेम्प का एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, आइडेंटिफायर 3 मल्टीप्लाई बाय टेम्प 1। टेम्प 1 में क्या पड़ा हुआ, 1 वैल्यू। ठीक है, एंड दी थर्ड वन स्टेटमेंट क्या है कि टेम्प 3 इज इक्वल टू आइडेंटिफायर 2। आइडेंटिफायर 2 क्या चीज है, ये वाला वेरिएबल। अब ये प्लस किसके साथ होगा कि ये दोनों की जो वैल्यू आई है, ये दोनों की वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, टेम्प 2 के अंदर। तो आइडेंटिफायर 2 प्लस टेम्प 2। ठीक है जी, तो टेम्प 2 के अंदर ये वाली सारी वैल्यू चली गई, और हमने एक और आइडेंटिफायर 1 जो है, ये वाला न्यू वाला, उसके अंदर वैल्यू रख दी टेम्प 3। टेम्प 3 के अंदर ये ऑल वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने इसके अंदर रख दी। अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया इंटरमीडिएट रिकॉर्ड जनरेशन। वेरी सिंपल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है जी कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है हमने कि कोड को रिड्यूस करना होता है। ये ऑप्शनल पार्ट होता है, ये मैंडेटरी पार्ट जो है वो नहीं होता। आप इसको ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब कंपाइलेशन के अंदर ये ऑप्टिमल जो है वो ऑप्शनल पार्ट होता है। तो ये देखें, 4 लाइन का मैंने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया था, उसने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस करके 1 लाइन का कर दिया। अब ये कैसे हुआ है, वापस आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट के अंदर यहाँ पर। अब ये देखें कि अगर मैं क्या करता हूँ कि हम ये वाला जो टेम्प 1 है, ठीक है, ये रियल वैल्यू वाली है, अगर हम डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, आप देखें आइडेंटिफायर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, बजाय इसके कि हम सबसे पहले 1 को जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर रखें, ठीक है, हम डायरेक्ट जो है वो आइडेंटिफायर 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड नंबर पे, बजाय इसके कि हम आइडेंटिफायर के अंदर अलहदा से एक वेरिएबल रखें, हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो टेम्परेरी वेरिएबल में है उसकी जगह हम आइडेंटिफायर 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लाइन भी एक ख़त्म हो सकती है और ये वाली लाइन भी ख़त्म हो सकती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात ये है कि इंटरमीडिएटरी कोड जनरेशन जो होता है, यहाँ पर आपने 3 एट अ टाइम चीज़ों को लिख सकते हैं, 3 वेरिएबल्स, 3 आइडेंटिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा आइडेंटिफायर एक स्टेटमेंट के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस लिहाज से आप चेक कर सकते हैं कि ये लाइन भी ख़त्म हो सकती है और ये वाली भी ख़त्म हो सकती है। तो रिड्यूसर ने यही किया है कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट 3 के साथ, और नेक्स्ट जो टेम्प 3 लिया था उसकी जगह डायरेक्ट आइडेंटिफायर 1 करके उसको हमने कोड जनरेट करवा दिया। तो आइडेंटिफायर जो इंटरमीडिएटरी कोड है, इसको 3 लाइन कोड भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि 1 स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन इज कोड जनरेशन। कोड जनरेशन उसके बाद क्या होती है कि जो आपने कोड बना लिया, उसके बाद उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो उसको मशीन की अंडरस्टैंडिंग होती है। मशीन कोड में कैसे जनरेट करते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका पार्ट है हाई लेवल का, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद, या इंटरमीडिएटरी जो कोड जनरेट किया है, या जो भी हमारा हाई लेवल है आफ्टर दी पासिंग प्रीवियस 5 फेजेस, एंड द लास्ट फेजेस इज द कोड जनरेशन। नाउ वी विल चेक हाउ टू जनरेट इन कोड मशीन कोड। तो असेंबली लैंग्वेज शायद आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये कोड आप लोगों के लिए, जिन्होंने पढ़ी है या जिसको अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए वेरी ईजी है। अब मूव स्टेटमेंट क्या करती है, ये बेसिकली मशीन कोड की है, असेंबली लैंग्वेज की है। अब मूव क्या करती है कि R1 और ये यहाँ पर आइडेंटिफायर 3 है। R1 इट्स मींस डैट के रजिस्टर, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू सेव होती है जिसको उसने एग्जीक्यूट करना होता है। तो मूव स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आइडेंटिफायर 3 के अंदर वैल्यू है वो मूव हो जाए R1 के अंदर, R1 रजिस्टर्स के अंदर। तो आइडेंटिफायर 3 के अंदर जो फैक्ट वाली वैल्यू थी वो मूव हो जाएगी R1 के अंदर। ठीक है जी, एंड द सेकंड स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई, MUL का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर R1 के अंदर कौन सी वैल्यू थी, आइडेंटिफायर 3 वाली, ये वाली, इसने क्या होना था, मल्टीप्लाई होना था 1 के साथ। तो यहाँ पर नंबर साइन का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो नंबर है, मल्टीप्लाई कर दे R1 को 1 वैल्यू के साथ, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी।
ठीक है, और वो वैल्यू कहां पर चली जाएगी, आर वन के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके, द नेक्स्ट थर्ड वन स्टेटमेंट है मूव। मूव क्या करेगी कि आइडेंटिफायर टू जो है उसको मूव कर दे आर टू के अंदर, जी ये रजिस्टर टू है, ठीक है जी। टू के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आर टू के अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा कि आर टू वाली वैल्यू प्लस होगी ये जो स्टेटमेंट जो पड़ी हुई है आर वन के अंदर, ठीक है। इट्स मीन्स डैट कि आर टू और आर वन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आर वन क्या था कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आर वन के अंदर चली गई थी, और उसके बाद जो ये आइडेंटिफाई टू वाली वैल्यू है जो आर टू के अंदर पड़ी हुई है, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है प्लस होने के बाद वैल्यू वापस इसके अंदर आ जाएगी आर वन के अंदर, आर वन जो है वो मूव कर देंगे आइडेंटिफायर वन के अंदर। इट्स मीन्स डैट के होल वैल्यू आइडेंटिफायर वन के अंदर मूव हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो क्या है, मशीन कोड। तो आई होप कि आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर की समझ आ गई होगी, क्या होते हैं, सिंथेसिस पार्ट क्या होता है, और उसके बाद एनालिसिस पार्ट क्या होता है। तो सोर्स कोड आया, स्कैनर। अब जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसको स्कैनर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे कोड को स्कैन करके टोकन जनरेट करता है। उसके बाद पार्स ट्री बन आता है, पार्स ट्री के बाद कोड जनरेशन आती है, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्टिमाइजर आता है, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट है कंपाइलर, और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। सिंबल टेबल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जितने भी हमारे पास आइडेंटिफायर या वैल्यू यूज हो रही है वो सारी उसके अंदर सेव हो रही होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास कोड में वैल्यू थी यहाँ पर वो सेव हो रही है। उसके बाद एरर हैंडलर रूटीन्स, जो भी एरर आते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसको वो हैंडल करता है, वो सारी उसके अंदर सेव हो रही होती है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं कि वन पास कंपाइलर होता है और एक होता है मल्टीपल पास कंपाइलर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन दो चीज़ों का कि वन पास कंपाइलर एंड मल्टीपल पास कंपाइलर। वन पास कंपाइलर को हम नैरो कंपाइलर भी कहते हैं, और मल्टीपल पास कंपाइलर को हम क्या कहते हैं, वाइड कंपाइलर भी कहते हैं। वन पास कंपाइलर क्या होता है कि हमने फेजेस पढ़े हैं कंपाइलर के। अब हमारे पास जितना भी कोड आता है, जो भी हमारे पास सोर्स कोड है, ठीक है जी, वो आपका एज अ होल एक ही मॉड्यूल में वन से लेके एंड तक जितने भी छह फेजेस हैं डायरेक्टली जो पास हो जाता है सिंगल वन पास के जरिए, तो उसको हम उस वो क्या कहते हैं, ये सिंगल वन पास कंपाइलर है, ठीक है। वन पास कंपाइलर पासिस थ्रू द सोर्स कोड ऑफ द ईच कंपाइलेशन यूनिट ओनली वंस। इट्स मीन्स डैट कि हर फेज से एक दफ़ा ही आपका कोड जो है वो पास हो, उसको वन पास कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारा जो मल्टीपल पास कंपाइलर क्या होता है कि आपके हमारे पास जो कंपाइलर के फेजेज हैं, अगर दो दो का मॉड्यूल बने, मैं कहता हूँ जो हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर है और सिमेंटिक है उसका एक मॉड्यूल बना लेता हूँ, ठीक है, कि मतलब एक दफ़ा कोड उसे पास हो, अगर नहीं तो फिर वो क्या होता है, कोड जो एक पास हुआ है टू मॉड्यूल बनाने के साथ, कि फर्स्ट टू फेजेस को मैंने एक मॉड्यूल बना लिया था, सेकंड टू को एक मॉड्यूल बना लिया, एंड थर्ड वन दोनों को एक मॉड्यूल बना लिया। अब बार बार उनसे मैं जो है वो अपने इनपुट को पास करवा रहा हूँ, ठीक है। अब टू टू का मॉड्यूल बनाया तो उसको टू पास भी कहा जा सकता है, अगर थ्री थ्री का मॉड्यूल बनाता हूँ इसको थ्री पास भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको सिंपली हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल पास। अगर सिंगल है तो सिंगल पास, अगर टू टू का मॉड्यूल है तो उसको मल्टीपल पास भी कह सकते हैं, टू टू पास मॉड्यूल भी कह सकते हैं, थ्री का बन रहा है थ्री पास मॉड्यूल भी कह सकते हैं। अगर फोर का मॉड्यूल बन रहा है फेजेस के हिसाब से तो आप उसको फोर फेज पास कंपाइलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को यहाँ पर फिर भी समझ नहीं आई तो आप साथ रजिस्टर पे लिखें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्री बाकी बेहतर है कि आप जहाँ पर नहीं समझ आती फिर रिवाइंड करके जो है वीडियो को देखें। आई होप कि आपको समझ आ गई हो, क्योंकि हर जो भी हमारे पास वीडियोस हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसमें हर पॉइंट को हर कॉन्टेक्स्ट को मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बताया है। तो ये वो आपका जो क्वेश्चन अगर रेज हो रहा होता है कि कौन कौन सा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनालिसिस पार्ट और सिमेंटिक सिंथेसिस पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट आ गए आपके एनालिसिस के अंदर और सेकंड वाले आ गए सिंथेसिस पार्ट के अंदर। ओके बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।